वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे, एस डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम जिक्र सबका कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक जिक्र अब भारत और जापान की दोस्ती का भी करना चाहूँगी, क्योंकि जब जब इन दोनों देशों की बात होती है तो हम कहते हैं कि इनकी जो एक दोस्ती है, जो इनकी एक पार्टनरशिप है, उसका जो एक फलक है ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों ही कई बार एक दूजे को जो है हर एक फेज में जो है कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, सहयोग दे चुके हैं, चाहे वो बात कहीं चीन की चिंता को लेकर हो, चाहे वो बात COVID-19 को लेकर हो, या फिर वो जलवायु परिवर्तन की ही हो। लेकिन यहाँ पर जब मैं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिदा की बात करती हूँ, उन दोनों की जो राय है, क्या वो रूस और चीन को लेकर क्या कहीं एक जैसी हो सकती है? आप इन दोनों को कैसे देखते हैं, उनके एक पर्सपेक्टिव को, दोनों देशों के उस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं? देखिए, जापान तो चीन से पहले से ही बहुत दुखी है। हाँ। और मजा चीज है कि चीन के जो पड़ोसी हैं 17 देशों के साथ जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो चीन का क्या एटीट्यूड है, क्या पोस्चरिंग है, ये अपना बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। तो जापान पहले से दुखी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था आइलैंड्स में वो दबदबा चाहता है, और उसकी पहली भी जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं उन्होंने, चाइना ने उस पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की, बताया कि वो उनका है, साथ में एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाने का जो प्रयास किया। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप जो है शांति स्थापित रहने दीजिए, क्यों मैरिटाइम जो पीस है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो इससे क्या है कि जब आर्टिफिशियल चीजें इंक्लूड करते हैं तो जो मैरिटाइम जो गुड्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मजा जहां तक भारत और जापान की बात है तो 375 लाख करोड़ का रुपए का व्यापार जो है वो जापान के साथ हमारा होता है, जिसमें 375 लाख करोड़ रुपीज जो है जापान का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और 235 लाख करोड़ जो है वो इंडिया का है। तो और जापान जो है थर्ड इकोनॉमी है, हम सिक्स इकोनॉमी है। यही तो मजेदार चीज है कि जापान तो छोटा सा देश है, मैंने कहा था पहले भी आपको कि राजस्थान के बराबर है, लेकिन थर्ड इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मतलब उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना उसके अंदर काबिलियत है कि वो छोटा होके भी बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। तो ये भारत और जापान के बीच में एक जो दोस्ती होगी निश्चित रूप से यहाँ के डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। और मालाबार में जापान ने भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, तो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें भी वो कॉरिडोर काफी कोऑपरेट कर सकता है हमारे साथ और एडअप कर सकता है। इस प्रकार से हम दोनों, जापान और भारत, दोनों मिलकर इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी जो है वो चाइना के खिलाफ उसने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं। तो जो चीजें हैं वो बहुत डिस्टर्ब है, और किस कब बात ये अगले लेवल पहुंच जाए ये कुछ कहना मुश्किल है। हम उत्तरी कोरिया का भी जिक्र करेंगे, उस क्षेत्र में उत्तरी कोरिया भी है, और किस प्रकार से चाइना और उत्तरी कोरिया के बीच में दोस्ती रही है, किस प्रकार से वो आपस में रहे। तो लबल वो अब ये है कि इन सब बातों से जो वहां की पीस है वो डिस्टर्ब होती है, और जापान निश्चित रूप से परेशान होता है, क्योंकि जो जापान के क्षेत्र है उन पर भी चाइना जो है कब्जा करता है, जिस प्रकार से वो कहता है कि ताइवान मेरा देश है। तो भारत और जापान की दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, न सिर्फ डेवलपमेंट के मामले में, जो इस जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से इस इंडियन पैसिफिक रीजन में, उसमें भी दोनों देश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मसला यूक्रेन में रशियन इन्वेजन का भी कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये क्वाड समिट भी हो उस वक्त रही है जब अभी भी ये जो इन्वेजन है वो लगातार जारी है, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की जब हम बात करते हैं तो एक कहें द्विपक्षीय वार्ता के साथ ये एक बेहद इंपॉर्टेंट भी है, जब भारत के पीएम भी उस वक्त हैं और जो बाइडन भी इस वक्त वहां पर जुड़े हुए हैं। सो क्योंकि अमेरिका ने पहले ही इस मसले को लेकर भारत पर एक दबाव बनाने की जो है वो कोशिश की है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत का जो एक रुख है वो पहले भी तटस्थ था और अभी भी तटस्थ है, इस पर आप अपना टेक दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं अमेरिका नहीं, मैं किसी विश्व के किसी भी देश को ये कहूंगा कि वो एक उदाहरण बताए जब भारत ने किसी पर, किसी देश के प्रति जो है वो बहुत कड़ा रुख रखा हो और अमानवीय रुख रखा हो। ठीक है, हमने जब भी रुख दिखाया है, हम हमेशा अहिंसावादी, मानवता के प्रति समर्पित देश के रूप में जाने जाते हैं और जाने गए हैं अब तक।
तो हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारा एक यूएसपी है इस देश का उसको बना के रखें। तो यूक्रेन के बाद अभी देखिए इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं काफी देशों को, जो एनर्जी सप्लाईज है और गेहूं वगैरह है और भी कई चीजें जो रशिया से मिलती थी वो अब मिलना लगभग बंद हो गई है। मैं लगभग इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक पूर्णतः जो है वो पूरा 100% सैंक्शन इफेक्टिव नहीं हो पाया है। वो हमारे जो सेल्फ डिपेंडेंट वर्ल्ड है, देखिए एक आप बहुत अच्छी चीज है, मैं इसका उल्लेख कर दूं कि इस समय पूरे विश्व में एक दूसरे पर निर्भर है हम आगे बढ़ने के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत जो हमने शुरू किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत जबरदस्त जो है वो एक कहा जाए टूल है विकास की तरफ जाने का, इसमें क्या है हम जब स्वावलंबी हो जाएंगे तो हमें किसी देश पर निर्भर नहीं होना का, लेकिन ऐसा इस आज के माहौल में 100% आत्मनिर्भर होना लगभग असंभव है। मैं लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई सीमाएं नहीं है कि आपके सेलिब्रेंट को कैसे हैंडल करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी जो है मानवतावादी जो रुख है उसको बनाए रखें। हम जब अभी जब उनके डिप्टी एनएसए आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम भारत साथ नहीं देगा, लेकिन भारत तो हमेशा अहिंसावादी रहा है, कब हमने जोर दिया किसी पर? और हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें भी हम न्यूक्लियर जो एटॉमिक हथियारों का यूज है उसमें भी हमने नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले शुरुआत नहीं करेंगे, हमें कोई अटैक करेगा तो हम प्रतिउत्तर देंगे। तो ये तो लाजमी है कि हम अपने डिफेंस में हमेशा आगे रहे। तो भारत का रुख बहुत ही साफ है और निर्गुण रहा है, नॉन अलाइंड रहा है, उसको बनाकर रखने में ही भारत की भलाई है क्योंकि इसके डिविडेंड्स बहुत है। तो इसीलिए देखिए अमेरिका भी समझता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अमेरिका ने इसको निग्लेक्ट किया, अमेरिका डेफिनेटली जोर देता रहा कि भारत जो है वो खुल के आए और इसकी भर्त्सना करे, लेकिन जो अहिंसावादी रुख अख्तियार किया भारत ने उस पर हमें सभी को गर्व है और आगे भी इस पर रुख पर हम कायम रहेंगे क्योंकि वही इस समय डिमांड है समय की। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में अभी तक हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें अभी तक चीन को क्या आघात पहुंचा है, क्योंकि अभी तक देखिए उसकी जो हेकड़ी है वो कम नहीं हुई है और अब भी एक बार फिर से जब ये क्वाड बैठक हो रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्या लगता है आपको ये जो शिखर सम्मेलन है वो क्या इस बार चीन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा? देखिए वो कहते हैं ना कि शुरू में ही इंडिकेशन आने लग गए, जब चीनी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आई कि आप मीटिंग करिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ये तो चाइनीज सॉरी एशियन नाटो है, ये बताता है कि जो अंदर की तिलमिलाहट है वो बाहर आ रही है। इसका मतलब चाइना डिस्टर्ब जरूर है कि जो है हम फॉर्मल तरीके से, देखिए जब विदेश फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं या दूसरे प्रतिनिधि मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं तो वो उसका लेवल अलग है, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हो और वो समर्पित होके मिल रहे हो कि हम इस क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे तो मैसेज कुछ और है, उसके पीछे जो नैरेटिव है कुछ और है। तो चाइना उस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। अब क्या क्या हुआ है, क्या क्या डेंट आए हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेंट आए हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो 2008 से चीन जो है वो फ्रीली मूव करता था इधर उधर, वो उस पर एक रोक लग गई है। और जो सीपैक आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो है बने ताकि ये इस क्षेत्र से बाहर जाके अपना व्यापार कर सके और बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट बने। तो ये तो बहुत लंबी बात है, लेकिन जो चाइना का जो अब रुख है वो मजबूरन उसको बदलना पड़ रहा है, जहां पर वो स्वच्छंद होके कुछ भी कर सकता हूं और मेरे खिलाफ कोई नहीं आएगा और कोई आएगा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उस नीति से उसको मजबूरन धीरे धीरे हटना पड़ रहा है, उसको वो एक्शन लेने पड़ रहे हैं जो कि जाहिर करते हैं कि अब उसको वो जो उसका जो एग्रेसिव पोस्चरिंग थी उस पर जरूर कुछ कमी आएगी और आ रही है। देखिए बोलना बोलने का अधिकार है, वो बोलते रहेंगे, लेकिन एक्शन जहां तक एक्शन की बात है उसमें जरूर कमी आई है, जो जमीन पर जो फ्रीडम था बाकी कंट्रीज का मूवमेंट का उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, अभी 100% तो नहीं हुई है क्योंकि वो जब एरियल ऑपरेशंस करता है, एयर वॉल्यूशंस करता है तो निश्चित रूप से वो डिस्टर्बिंग होता है सभी देशों के लिए उसे, लेकिन उसमें उसमें भी कमी आ जाएगी क्योंकि अब क्वाड के बाद जब हम इसकी डिक्लेरेशन होगा उसमें मैसेज दिए जाएंगे और आईपीईएफ के बाद ये मालूम पड़ेगा कि सभी देशों एक संगठित हो रहे हैं तो संगठन में शक्ति है हम सभी जानते हैं, तो निश्चित रूप से जो मैसेजिंग है वो बहुत ही क्लियर है चाइना के लिए कि सुधर जाओ वरना चीजें जो है वो आपके खिलाफ कभी भी खड़ी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, ये तमाम चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, स्ट्रेट टॉक का पार्ट बढ़ने के लिए आपने तमाम जानकारी आपने हमारे साथ रखी इस प्री क्वाड 2022 को लेकर, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जी थैंक यू।
सो डेफिनेटली एजेंडा जो है वो एक तरीके से क्लियर ही है, और आगे उसकी जो रूपरेखा है वो किस तरीके की रहेगी वो आज के भारतीय समय अनुसार, क्योंकि 24 तारीख और पूरी नजर इस वक्त टिकी हुई कि समिट में क्या कुछ खास होने वाला है। सो डेफिनेटली पॉलिटिकली तरीके से और डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से ये जो चारों जो समूह हैं, ये जो चारों जो ग्रुप हैं, चारों जो देश हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो भी देखना होगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, गुड इवनिंग, जस्ट हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरे साथ स्ट्रेट टॉक में बात आज क्वाड 2022 की। जाहिर सी बात है जापान में होने जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं कि चारों देश मिलकर आखिर क्या करेंगे। So, इस पर दिलचस्पी होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये जो सम्मेलन है वो ऐसे टाइम पर हो रहा है जब यूक्रेन पर रूस के हमले इस वक्त जारी हैं और उसके प्रमुख सहयोगी चीन के अड़ियल रवैये में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। सो भले ही क्वाड केवल चार देशों यानी कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला समूह हो, लेकिन वो अपनी साझा रीति नीति से पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता इस वक्त रखता है क्योंकि चीन, भारत समेत इन सभी देशों के लिए किसी ना किसी रूप से चुनौती बना हुआ है, परोक्ष रूप से आप कहें या फिर आप इनडायरेक्टली वे से भी सोचें। सो इसीलिए ये जो शिखर सम्मेलन है, ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसकी ओर से उसे लेकर कोई कठोर बयान जो है वो जारी किया जा सकता था और ऐसा ही हुआ है। सो ऐसे किसी बयान मात्र से चीन की सेहत पर असर पड़ने के आसार जो है कैसे हैं, इसीलिए क्वाड को उन उपायों पर ध्यान देने की आज जरूरत है जिससे चीन की अकड़ शायद ढीली पड़ सके। लेकिन वो उपाय होने किस तरीके के चाहे हैं, उन उपायों पर ध्यान किस तरीके से दिया जा सकता है, किस स्ट्रैटेजिकली तरीके से दिया जा सकता है, किस तरीके की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, किस तरीके की एक पूरी कहे ना एक रूपरेखा होनी चाहिए, क्वाड 2022 उसी पर है। आज स्ट्रेट टॉक में बात जब हम शिखर सम्मेलन की, इसी शिखर सम्मेलन की कर रहे हैं तो इसी को लेकर आज मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज जो प्री क्वाड 2022 पर हमें पूरा कहें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जो पूरा क्वाड शिखर सम्मेलन है वो आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है इन चारों देशों के कहें लिहाज से, इसके मद्देनज़र इनके लिए किस तरीके से ये मायने रखता है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू वेरी मच। तो क्वाड शिखर सम्मेलन की ओर से अभी तक हम देखें पांडे सर के बहुत से अभी बयान जो हैं वो आ चुके हैं। बीच में अमेरिका की करूं बात, जो कि चीन को एक तरीके से जो है एक दो टूक सुना चुका है। चीन भी जो है वो इस शिखर सम्मेलन को लेकर पहले भी ये बात जता चुका है कि ये जो समूह है वो कुछ नहीं कर सकता है, और एक बार फिर से उसने ऐसी ही मंशा से इसको लेकर एक कठोर बयान जो है वो दे दिया है। ऐसा शिखर सम्मेलन जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें टिकी हुई हैं कि इस शिखर सम्मेलन में आखिर होगा क्या, बात जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की करते हैं। तो चलिए आज इन सब पर मैं आपसे जो है सवाल जो है जवाब जरूर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम देखा जाए तो ये शिखर सम्मेलन जिस पर भारत का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो जापान दौरा है वो सबसे खास दौरा क्यों माना जा रहा है, सबसे पहले इस पर सर अपना कमेंट दीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 तारीख को कल प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से उनका वहां स्वागत हुआ, किस प्रकार से वो भारतीय मूल के जो निवासी हैं उनका स्वागत किया, और जो जिस प्रकार से जापान की सरकार ने उनका स्वागत किया, ये काबिल तारीफ है। और जो जोश था लोगों के बीच में, चाहे वो जापानीज हो चाहे वो इंडियंस हो, सबने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम किया। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि एक लीडरशिप जो कि भारत की लीडरशिप किसी जमाने में कहा जाता था बड़ी लो लेवल की है, और आज वक्त बदलता गया और धीरे धीरे हम देखिए कि किस हद किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, और जहां पर हर भारतीय को एक
गर्व की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण ये है कि जो इंडियन पैसिफिक में जो बहुत ज्यादा घटना एक के बाद एक होती गई, मजेदार चीज ये थी कि जहां रूस और यूक्रेन आपस में तनावग्रस्त होकर एक दूसरे के ऊपर जो युद्ध कर रहे हैं वो एक अलग पहलू था और पूरा विश्व उस तरफ लगा हुआ था और आर्थिक सैंक्शन उन पर लगाए जा रहे थे, किस प्रकार से रूस को जो है युद्ध रोकने पर प्रयास किया जाए। ये देखिए बड़ा दुखद है कि शांति स्थापित करने का ये एक अजूब तरीका था। खैर हमारा मुद्दा जो है वो कुछ और है तो हम मुद्दे पाएंगे। तो उस जो पूरा विश्व जो है यूक्रेन और रूस के बीच में था, इस बीच में चीन ने इंडियन पैसिफिक में कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा जो है व्यापार जो है पूरे वर्ल्ड का ज्यादातर जो है हमारे एशियन जो कंट्रीज है उनका व्यापार ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन सभी देश इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि जो माल है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, वो सभी देशों को प्रभावित करती है। तो मजेदार चीज ये थी कि जिस प्रकार से यहाँ पर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दिया, जापान के पास ओकिनावा आइलैंड्स है और सोलोमन आइलैंड्स का आपने चर्चा सुनी होगी जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, और किस प्रकार से वो ताइवान के पर जो है वो अपने जो है दादागिरी करता रहा, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ये जरूरी था कि इस क्षेत्र की जो एक संतुलन है, कहिए व्यापारिक संतुलन का नाम ये जरूर दिया गया लेकिन मूल रूप से ये सामरिक संतुलन के पर ध्यान दिया गया। तो चारों देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, अगर आप देखें ये चारों देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। जापान जो कि भारत के मात्र राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, उससे बड़ा नहीं है, लेकिन कितना वर्ल्ड की वो थर्ड इकोनॉमी है, और इस प्रकार से जिस प्रकार से जापान ने तरक्की की है तो बताता है कि वहां के लोग कैसे हैं और वहां पर कितना पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। तो और ऑस्ट्रेलिया के भी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो सरकार है किस प्रकार से वो तरक्की जोड़ दिया उन्होंने, मैं इसी सरकार नहीं पुराने सभी ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भारत भी किस दशा से, और आज हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से विकास की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ हमने ध्यान दिया, और अमेरिका के बारे में तो सॉरी मैं इसका उल्लेख करना भूल गया, अमेरिका सर्वोपरि रहा है, टॉप पर रहा है हमेशा विकास के मामलों में, और सोफिस्टिकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मिलिट्री डेवलपमेंट्स इन सब में जो है वो निश्चित रूप से विश्व में अमेरिका अग्रणी है। जी, तो जब ऐसे चारों देश जब मिलकर एक साथ इकट्ठा हो तो निश्चित रूप से पूरे विश्व की नजरें जो है वो यहाँ पर गड़ी होंगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए जो क्वाड बना 2014 में दिसंबर में इसके बारे में चर्चा हुई जब अर्थक्वेक और आया था न्यूज़ में, तो उसके बाद से ये बड़ा लो की पर शुरू हुआ, बहुत ज्यादा इस पर बहुत उम्मीदें नहीं की गई थी और चर्चा का विषय नहीं था। एक छोटा सा जैसे संगठन को कुछ देश मिलकर बनाते हैं बनाया और चला, लेकिन वक्त के साथ इसकी इंपॉर्टेंस समझी गई और पिछले 5 सालों से जिस प्रकार से तेजी आई है इस क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक और चीज बता दूं कि 2008 से सी पायरेसी के नाम पर चाइना जो है इस क्षेत्र में सर्विलेंस करता था। सर्विलेंस जब कहते हैं तो उसका मुद्दा, उसका पीछे जो उद्देश्य होता है कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और सभी डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं चाहे वो मैरिटाइम ऑपरेशन से रिलेटेड हो या ट्रेड रिलेटेड हो, उन सब पर जो है वो चाइना नजर रख रहा था और उसके लिए अपने जो है वो शिप और जहाज का इस्तेमाल करता था। तो वो एक स्वयंभू, जिसे कहा जाए कि वो स्वयंभू बॉस बना हुआ था और अपनी जो है वो वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब देखा गया कि उसके कवर में लेकर, इस बात के कवर में लेकर वो उसने कई वो ऐसे काम किए जो कि वो उसको केवल उस चाइना को प्रभावित करते थे। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने सुना होगा IPEF का भी जिक्र बहुत हो रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये IPEF के द्वारा उस क्षेत्र के लगभग लगभग सभी देश को जोड़ने का प्रयास किया गया है इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो ये एक प्रकार से कोशिश की गई कि हम किस प्रकार से सारे देश इकट्ठा हों और हम किस प्रकार का एक प्रेशर डाल सके चाइना पर कि आप जो है शांति स्थापित करें। अगर आपने देखा हो पिछले दिनों, पिछले लगभग 3 महीनों में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव बढ़ रहा था तो ताइवान के ऊपर जो है चाइना के जो है वो किस प्रकार से एरियल सर्वेज हुए और एयर वॉल्यूशन हुए और
जो न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट्स उस तरफ डायरेक्ट करके हुए, ये सब चीजें बड़ा जो है चिंता का विषय थी। और इन्होंने एक पूरा सिमुलेट किया पूरा एनवायरमेंट को, ताइवान को, कि किस प्रकार से अगर अटैक होता है तो किस प्रकार से अटैक किया जाएगा। चाइना ने पूरा एक सिमुलेट करके एक एरिया डेवलप कर दिया और उस एरिया में जाके वो एयर स्ट्राइक करके प्रैक्टिस करते रहे कि हम ताइवान जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जिस इस प्रकार की तैयारी का पीछे जो है वो मैसेज, ये सब कहा जाता है पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग किस बात के लिए है कि हम ताइवान को कभी भी खत्म कर सकते हैं जी, क्योंकि चीन कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और हाँ, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। को हक नहीं सुन। तो इन सब चीजों के बीच में चीजें बढ़ती गई और ये इसलिए जो है आज का जो क्वाड का सम्मेलन है आज दूसरा दिन होगा उसका, तो इन परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, डेफिनेटली 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 भारतीय समय अनुसार 24 तारीख को, क्योंकि क्वाड का ये शिखर सम्मेलन होना है। तो ओवरऑल पांडे सर, आपने पूरा डेवलपमेंट की बात की है क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन में भी अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और आगे क्या होना चाहिए, जिक्र हम इसका भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, क्वाड समिट 2022 की आज बात। और ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम सभी संदर्भों में इस क्वाड में शामिल सभी देशों के संदर्भ में हम उसकी बात कर रहे थे और इनके लिए भी चीन जो है वो किस तरीके से सरदर्दी बना हुआ है, जिक्र उसका भी यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे जी ने किया था। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। मैं यहाँ पर अमेरिका, क्योंकि आपने आखिर में अमेरिका का जिक्र किया था और मैं अभी उसके संदर्भ में आपसे एक सवाल करूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीन का जो एक एग्रेसिव रुख है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस तरीके से दुनिया के कुछ देशों को कर्ज देकर एक माया जाल जो है वो क्रिएट करने की चीन ने कोशिश की, उसके बाद जो है आर्थिक तौर पर खुद को सशक्त और बाकियों को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश इस वक्त चीन जो है वो हमेशा करता आया है। दूसरी बात, जब मैं भारत के संदर्भ में बात करती हूँ, क्योंकि इसी की जो सीमाएं हैं वो चीन से मिलती हैं और वो लद्दाख सीमा पर अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय नेतृत्व को कहीं अधिक जो एक सक्रियता है वो दिखाने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन भारत के साथ साथ मैं क्वाड में शामिल इन तीनों और देशों की भी बात करूं, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की यहां पर जरूरत है, जिससे चीन की जो एक अकड़ है और उसका जो एक कहें जो एक एग्रेसिव पॉलिसी है उसको पीछे पुश किया जा सके, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसी दिश इन्हीं बातों को जो आप कह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपने बोले हैं कि पीस और सॉवरेनिटी जो है, कहते हैं कि शांति और सौहार्द हम उस क्षेत्र में कैसे स्थापित करें, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। जब क्वाड एक्टिवेट हुआ पिछले 5 सालों में यही हुआ कि हम किस प्रकार से पीसफुली रह लें और किस प्रकार से वहां की शांति भंग ना हो, ये जो है यही मुद्दा था। और लेकिन इसमें मजेदार चीज क्या थी, क्वाड में जो सिक्योरिटी रिलेटेड एलिमेंट्स नहीं थे और वो जो बॉन्डिंग थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो क्या है कि ये लगने लगा कि क्वाड जो है वो एक संगठन बन गया है लेकिन इसके पीछे जो है वो पैनापन नहीं है, दैट इज इन अदर वर्ड्स कि उसमें इफेक्टिविटी नहीं है। और इसीलिए जो है क्वाड चीन कहता रहा कि भाई आप करते रहो मीटिंग, हमें फर्क नहीं पड़ता। yes. और ये तो जो है एशियन नाटो है, yeah. तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि बहुत ही सहयोग के साथ चारों देशों ने यहाँ पर अपना रुख प्रस्तुत किया। बहुत तारीफ करनी होगी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, कि देखिए इन्होंने बहुत एग्रेसिव नहीं हुआ लेकिन अपने साथ एग्रेसिव न होकर भी इन्होंने अपनी बातों को, अपनी पोजीशन को बड़ा क्लियर रखा, उसमें क्लियरिटी रखी। और जो क्वाड सम्मेलन हो रहा है यही जो तय हुआ था पिछले साल सितंबर में, उनके बारे में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उस पर चर्चा होगी आज। और आगे जो इसमें सिक्योरिटी एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने बहुत विस्तृत तौर पर उल्लेख किया कि चीन जो है वो काफी डिस्टर्ब कर रहा है वहां की पीस उस क्षेत्र की, तो उसको बारे में हम कैसे आगे बढ़े। हालांकि ये सिक्योरिटी एलिमेंट था नहीं क्वाड का, लेकिन वक्त के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अफेक्ट करता है एजुकेशन को, साइंटिफिक डेवलपमेंट को, ट्रेड को, सबको, तो इसलिए महत्वपूर्ण था कि इस क्षेत्र में हम बात करें कि ये जो एलिमेंट है प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित ना हो। तो हमें क्या क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में चर्चा होगी। दूसरा चर्चा होगी कि आगे हम सिक्योरिटी पॉइंट को कैसे देखें, और तीसरा जो है वो इंडियन पैसिफिक में चाइना में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में
बहुत ही विस्तार से चर्चा होगी कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो कि चाइना को पसंद ना आए, लेकिन अब वो जब चाइना ने अपनी नीतियों के और अपने रुख से ये बताने की कोशिश की कि उसकी विस्तारवादी नीति और वर्चस्ववादी नीति कि मैं ही डोमिनेट करूंगा इस एरिया में, मैं ही बॉस हूँ, जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में चाइना का जो एक्टिविटीज रही है हमें सबको पता है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग नहीं है। आप ट्रेड करिए, बाकी को ट्रेड कर दीजिए। भारत का ये बहुत ही मूल सिद्धांत रहा है कि हम शांति से रहना चाहते हैं, हम अहिंसावादी हैं और सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस पर हम बिलीव करते हैं। हमारा जो ब्रह्म वाक्य है देश का सदियों से, आज का नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। जब ऐसी विचारधारा के लोग इकट्ठा होंगे निश्चित रूप से शांति आने के संभावना है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है, तो वो सिक्योरिटी एलिमेंट बहुत जरूरी था और हो सकता है कि उस एलिमेंट पर भी कुछ बात हो, लेकिन ध्यान रहे अभी तक किसी भी देश ने, चारों देशों में क्वाड में कभी भी जिक्र नहीं किया कि हथियारों का आदान प्रदान या हम किस प्रकार से, अगर चाइना जो है एक सीमा के बाहर जाता है तो हम उसका कैसा सामना करेंगे, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त अभी आ गया है, जो पुशरिंग हो रही है चाइना की और ताइवान को सुरक्षित महसूस कराने के लिए, हालांकि ताइवान भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत देश है और किस प्रकार से उसने अपनी तैयारियां वो कर रहा है ये काबिले तारीफ है। वहां के लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अगर युद्ध होता है तो किस प्रकार से उनको रहना है, किस प्रकार से हैंडल करना है, कैसे अपने लॉजिस्टिक्स जो फूड और बाकी सप्लाईज है उनके बारे में, और जो एक चेकलिस्ट उनको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई है ताकि वो देख सकें कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कहते हैं ना FAQs, कि जो आपके बार बार जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब लिस्टेड है उसमें, कि आपको डू एंड डोंट्स दिए हुए उस बुकलेट में, तो वो भी तैयारी हो रही है। तो कुल मिला के इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब शांति से सब कुछ हो रहा था, तो चीन के जो आइडियल रुख की वजह से ये सब जो है इस क्षेत्र में करना पड़ रहा है, वरना अगर सभी देश मिलकर रहे और शांति से रहे तो व्यापार को और विकास को इतना जो है इंपेटस मिलेगा कि वो शब्दों में कहना मुश्किल है। क्योंकि मैंने कहा जैसे चारों बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं, चारों डेवलपमेंट की तरफ ओरिएंटेड हैं और चारों में बहुत पोटेंशियल है नई नई चीजों को अडॉप्ट करने का और क्रिएट करने का। तो ऐसे माहौल में चीन का जो रुख है वो डिस्टर्बिंग रहा है और निश्चित रूप से क्वाड देश जिस तरह से आगे आ रहे हैं महत्वपूर्ण है कि वो शायद और भी बात। एक छोटा जिक्र और करूंगा कि मालबार एक्साइजेस का नाम सुना होगा, वो भी हुई। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप शांति की बात कर रहे हैं लेकिन मालबार एक्साइज की, मालबार एक्साइज देखिए वो एक शांतिपूर्ण चीज रही है और आपस में हमने कोशिश की कि हम एक दूसरे से कुछ सीख सके कि किस प्रकार से पैन पैसिफिक में मैरिटाइम ऑपरेशंस के द्वारा हम शांति स्थापित कर सकते। ठीक है, आपने शिकायत का यहाँ पर जिक्र किया, मेरा यही इसी से ही जुड़ा अगला सवाल था। मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात आती है इसमें आखिर प्रगति, इसमें प्रोग्रेस, इसमें डेवलपमेंट जो है जो वो किस तरीके का देखा जाए, किस तरीके का देखा गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूचर में बात जब हम शांति समृद्धि की करते हैं, बात जब हम एक कहें स्टेबिलिटी की करते हैं, सो उसे लेकर जो अभी तक कदम उठाए गए हैं उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में जो कहें जो छोटे देश हैं उन्होंने कई बार शिकायत की है, वो भी चीन को लेकर की है कि चीन की जो दबंग गई है उनके नागरिकों के लिए जो एक आजीविका का जो एक कहें एक गंभीर खतरा जो है पैदा हुआ है वो सिर्फ इसी देश की वजह से हो रहा है। तो ये जो शिकायतें हैं वो बार बार आ रही हैं, तो उसी के संदर्भ में इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात आती है इसमें आखिर प्रोग्रेस इसको लेकर क्या हुई है, खासकर छोटे देशों को लेकर। देखिए, जो अगर आपको ध्यान हो शुरू में मैंने उल्लेख किया था IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये बेसिकली इसमें क्वाड के चारों देश के अलावा जो भी वहां पर बाकी देश हैं लगभग सभी देश उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये और ये कि क्या IPEF का क्या उद्देश्य है, कल इस पर चर्चा हुई है, तो क्या उद्देश्य है कि जो ट्रेड, सप्लाई चेन, इंफ्रा एंड एनर्जी, टैक्स एंड एंटी करप्शन, ये सब अहम मुद्दे हैं। वो कहा जाता है कि 4 पिलर्स हैं ये IPEF का। तो अभी ये लॉन्च हुआ है और निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाती है कि जो बाकी जो जिस आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने कहा कि जो वहाँ के छोटे देश हैं जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है और जो जिनका के पास इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है कि वो युद्ध कर सकें और युद्ध के लिए हथियार खरीद सकें, और उनके लिए निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण रहेगा डेवलपमेंट लाने में अपने देशों में। और इसके साथ जब भारत के साथ, देखिए भारत भी अब हथियार बनाने के क्षेत्र में काफी आगे आ रहा है और आपने सुना होगा कि फिलीपींस ने जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी और मलेशिया और बाकी देश भी
जो है वो हमसे कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात में कर रहा हूँ भारत की, तो ये डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हुआ? ये डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि हम तेजी से आगे बढ़े और हमारा फोकस अप्रोच था। तो इसी प्रकार से अगर हम बाकी देश जो है सभी लोग, देखिए कोरोना के बाद, अभी कोरोना पूरा पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, ये भी एक जैविक युद्ध था कहा जा सकता है। हाँ, तो चीन ने उससे भी काफी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हम खैर उस दिशा में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण है कि कोरोना के वजह से सभी देशों की जीडीपी को जो है वो डेंट पड़ा है। हाँ, तो सब लोग चाहते थे कि आर्थिक रूप से कैसे उभरे, और ऐसे मौके पर अगर आप युद्ध के लिए और बाकी जो डिस्टर्बेंस है इंटरनेशनल बॉर्डर्स और कोस्टल लाइन के आसपास वो अगर करती हैं, तो बाकी सभी देशों में जो डेवलपमेंट है, जो रोल डेली रूटीन लाइफ है, वो टोटल डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, तो उनका जो फंड है, जो फाइनेंसिस है, जहां पर वो हेल्थ और एजुकेशन पर डाइवर्ट होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारा का सारा फिर आर्म्स परचेज और आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और वो बहुत ही खतरनाक होगा इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। जरूरी है कि एरिया डेवलप्ड रहेगा तो बेहतर है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे पूरे इस इंडियन पैसिफिक रीजन में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो जो IPEF है, देखिए अभी पहले बहुत पहले कर कुछ कहना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद है कि जिस जोश के साथ ये लॉन्च हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें काफी संभावनाएं हैं, और जिन देशों का आपने उल्लेख किया उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए क्वाड के अंदर जब शुरुआत हुई, बातचीत हुई कि हम, मैंने कहा था कि आपको क्षेत्र में जो अर्थक्वेक वगैरह आए तो कितने डैमेजेस हुए, लोग जान माल का नुकसान हुआ, उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये क्रिएट किया गया। हाँ, तो शुरू से ही ये क्रिएशन जो था वो ये था कि हम कैसे एक दूसरे की हेल्प करें और पीस और सॉवरिटी हम इंटैक्ट रखें। आपने देखा होगा भारत ने जो है 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन, भारतीय वैक्सीन बना के भेजा, तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि पहल थी भारत की कि हम आपके साथ हैं। और अब वीट के बारे में भी आपने सुना, गेहूं किस प्रकार से रशिया से जो वीट मिलता था बाकी देशों को वो मिल नहीं पा रहा है, तो हम भारत ने हमेशा कोशिश की है कि मानवता के आधार पर किस प्रकार से हम विश्व शांति के अंदर सहयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए कि आप बिना लड़े भी जो है देश की शांति में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो जो क्वाड का जो रिक्वायरमेंट है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में, स्पेशली इस क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उनके लिए क्वाड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट चीज है जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, क्योंकि ये मेरा मानना है कि इससे पहले भी जब आप जो जिसका जिक्र कर रहे थे, अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, ये विशेष ध्यान देने योग्य चीजें हैं। और डेफिनेटली सर, मैं ये ऐसा मानती हूँ कि इससे आर्थिक निर्भरता जो एक भारत का मिशन रहा है, इस सरकार का मिशन रहा है, वो आर्थिक जो निर्भरता है ना वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है, हमें डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है बाकी देशों पर।